गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार YouTube चैनल। आज का टॉपिक है डीजी कनेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 62.5 केवी का डीजी। ये डीजी आपको दिख रहा होगा, 62.5 केवी का डीजी है। आइए कुछ हम मैसेज, जो आदमी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे और जो वीडियो डालें आपके पास पहले पहुँचे। और चलिए तो आज हम इसका ज़्यादा देर आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सबसे पहले तो हम यहाँ से आते हैं, ये हमारा हो गया सेंसर के लिए, सेंसर वायर हो गया, ये हमारा लाइटिंग के लिए हो गया, उसके बाद उसमें टेम्परेचर के लिए हो गया, जो हमारा टेम्परेचर ये जो है, ये जो केबल दिख रहा है ये आपको टेम्परेचर दिखाएगा, हमारा टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है। ऊपर लाइटिंग हो गया, ये हमारा फ्यूल फिल्टर हो गया, उसके बाद ये फ्यूल फिल्टर हो गया, ये फ्यूल पंप हो गया, ये इधर फ्यूल वाटर सेपरेटर और फ्यूल ये लूप फिल्टर। चलिए अब वो मशीन के बारे में उतना ज़्यादा में हमको नॉलेज नहीं है, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अल्टरनेटर, और उधर से हमारा पावर आएगा, इनकमिंग होगा। चलिए इनकमिंग करते हैं और अंदर आते हैं। ये 100 वाट का MCB है हमारा, ये जो इधर से आया पावर ये यहाँ के हमारा इधर रुक गया, यहाँ रुक गया, और ये 3 पोल का ही MCB आता है। न्यूट्रल के लिए हम लोग बाईपास करते हैं डायरेक्ट, इधर यहाँ बाईपास कर दिए, उसके बाद इधर से फिर हमको जिधर लेना है। और ये जो हरा रंग का वायर देख रहे हैं आप लोग, ये होता है अर्थिंग न्यूट्रल, जो न्यूट्रल हम तो एक तो डीजी दे रहा है, लेकिन हमारा डीजी कभी कभी फेल होने पे हमारा न्यूट्रल अगर डाउन पड़ेगा, अगर हमारा न्यूट्रल डाउन पड़ता है तो इसके लिए हम लोग बैक से सपोर्ट देते हैं न्यूट्रल का। ये देख रहे होंगे ऐसा कि हम लोग ले जाके आपको दूर दिखेगा, उधर डाला हुआ है हम लोग का अर्थिंग, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इनकमिंग हो गया, RRYB इनकमिंग, यहाँ से RYB आउटगोइंग, ये आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके अब यहाँ पे RYB, यहाँ पे एक टर्मिनल ख़राब हो गया है तो हमारा पहले का इलेक्ट्रिशियन लोग जो भी डायरेक्ट ज्वाइंट मार के रखा है न्यूट्रल को, यहाँ पे RYB 3 हो गया, यहाँ से इनकमिंग आ गया, यहाँ से इनकमिंग DG से आया, उसके बाद आउटगोइंग हुआ MCB में, MCB से आ गया फिर यहाँ, यहाँ से हम आउटगोइंग लेंगे और जहाँ हमको शेयर करना है वहाँ शेयर करेंगे। उसके बाद ये MCB है, ऑन ऑफ ऑफ में रखना है, जब हम DG ऑन करेंगे उसके बाद ही इसको ऑन करना है, नहीं तो अगर ये ऑन रहेगा हम DG चालू करते हैं उधर सप्लाई चालू रहेगा तो क्या होगा, कभी कभी वोल्टेज अप एंड डाउन की वजह से हमारा मशीन ख़राब होने का चांस रहेगा, और इसको हमेशा ऑफ ही रखना है। बाकी ये देख रहे हैं 2 पोल का 16 एम्पीयर का MCB है कंट्रोल करने के लिए। ये उसके बाद ये डिस्प्ले हो गया, चलिए हम लॉक कर देते हैं, ये डिस्प्ले हो गया, इसको हम अच्छा चालू किया, यहाँ से चाबी ऑन किए तो देखिए अभी ऑन हो, डिस्प्ले ऑन हो गया, बाकी एम्पियर का है बैट एम्पियर, ये हो गया, ये हमारा डिस्प्ले चालू भी हो गया, ये देख रहे हैं हमारा सब चालू हो गया। ये स्टॉप के लिए है बटन, इधर से हम चालू करेंगे, या इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अब चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलते हैं हम एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार सबको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।